लाइव से आप सभी दर्शकों का स्वागत करती हूँ। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर आज की हेडलाइन पर। परभनी में रिश्वतखोर को गिरफ्तार किया, मराठा युवकों को व्यापार के लिए कर्ज दिलाने वाली बैंक जो नामंजूरी देती है, महादेव मंदिर से 10 किलो का सोना चोरी। अब खबरें विस्तार से। ग्रामीण पानी वितरण विभागीय कार्यालय में शनिवार को एक उप कार्यकारी कर्मचारी को रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया। 8,000 की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार हुआ अधिकारी। बीड अण्णा साहेब पाटील आर्थिक महामंडल के माध्यम से राज्यों में मराठा युवा पीढ़ी उद्योग की राह पर चले, यह बैंक क्यों टाल मटोल करती है। ऐसे बैंक में जाकर बैंक हिला देने का इशारा अण्णा साहेब इन्होंने दिया है। यहाँ निर्णय चालू केला म्हणजे करप्शन लेस हे महामंडळ आहे, त्याच्यामुळे जास्तीत जास्त लोकांनी याचा लाभ घ्यावा। आणि खरं म्हणजे पत्रकारांना एक सांगतो की आमच्या घराण्यात कोणी कर्जच मागितलेलं नाही ना व्यवसायासाठी। आतापर्यंत आम्ही मोटरसायकलचं कर्ज मागितलंय, घर बांधणीचं कर्ज मागितलंय, वैयक्तिक कामासाठी कर्ज मागितलंय, व्यवसायासाठी कर्ज मागितलं नसल्यामुळे आम्हाला कागदपत्रांची कल्पना नाही। परंतु आम्ही महामंडळाच्या वतीनं कलेक्टर साहेबांच्या वतीनं हे जिल्ह्यातल्या असणाऱ्या तरुणांना कशा प्रकारे कर्जाचा रिपोर्ट तयार करायचा, प्रोजेक्ट रिपोर्ट तयार करायचा, बँकेत कर्ज मागायचं कसं, कसे एलवॉय जनरेट करायचं, याच्यासाठी एक प्रशिक्षण शिबिर लावण्याचं त्यांनी मान्य केलं। त्याचबरोबर जिल्ह्यातल्या जेवढ्या ब्रांचेस आहेत त्या ब्रांचेसची एक दिवशी एक 2 ते 3 तास एक सेमिनार महामंडळाच्या माध्यमातून एक सेमिनार घ्यायचं त्यांनी मान्य केलं, जेणेकरून प्रत्येक ब्रांचच्या मॅनेजरला कळेल की अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळ काय आहे, कशा तरुणांना कर्ज मिळेल, कसं त्यांना न्याय मिळेल। पण आजची ही मीटिंग जरी लोकांची नाराजी भरपूर होती कर्ज मिळण्याच्या संदर्भामध्ये, ती बऱ्यापैकी नाराजी या ठिकाणी कमी झालेली आहे। लातूर, अब तक आपने सुना होगा की मंदिरों से दान पेटी चोरी हुई है, लेकिन अब खबरें ये है कि चोरों ने पानी में स्थित कासाखेड़ यहाँ महादेव मंदिर के ऊपरी हिस्से 10 किलो का सोना का गुम्बर चोरी किया है। खबरों में आज के लिए इतना ही। MNS न्यूज लाइव देखने के लिए आज ही प्ले स्टोर से MNS हिंदी ऐप डाउनलोड करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।